बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेटिव टीम में मैं आपका एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए करीमपुर के एरिया में ज़बरदस्त सिंगल स्टोरी घर लेकर आया हूं। उसकी डिटेल बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोज़ बर वक्त बसानी आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले मैं आपको इस तरह कर दूँ कि मेन रोड से जो है ना इस घर तक विजिट करवाता हूँ, फिर इसकी डिटेल बताते हैं और फिर इसका थोड़ा सा डिटेल बताऊँगा, फिर जो है ना आपको फिजिकली विजिट करवाऊँगा, इनको इसकी प्राइस कोट करेंगे, अंदर इसकी डिमांड क्या कर रहा है। आप मेरे साथ रहिएगा। तो अभी मेन रोड पे हम आ गए हैं, आपको मेन रोड का व्यू दिखा रहा हूँ। रफ़ी पब्लिक स्कूल वाली गली है ये, कंक्रीट गली है, गली है जी। इसके साथ ये किराना स्टोर है और वो उस साइड से भी ना करीमपुर एरिया से भी रास्ता आता है। चेक करें जी, अभी हम जो है ना अभी बाइक पे मैं आपको साथ लेकर चलता हूँ। आगे पीछे का आप व्यू देख सकते हैं जी, घर वगैरह बने हुए हैं, कंक्रीट गली है। ये मेन पे गैस मौजूद है जी और बहुत पास गैस है। अभी ना बाहर का व्यू, अभी ये बाहर की कोठी का व्यू दिखाता हूँ। साथ गली है जी, ये चेक करें जी, ये कोठी है जी साथ, ये वाली आपको निशानी बता रहा हूँ। इसके साथ यहाँ पे गैस मौजूद है जी, आप देख सकते हैं। और ये साथ गली है जी। अभी तो जी नाज़रीन, मैंने आपको जो है ना मेन रोड रफ़ी पब्लिक स्कूल से साथ गली एंटर होती है, थोड़ा सा आगे आएंगे तो जो है ना अपने राइट साइड पे जो है ना कोठी के साथ मैंने आपको सारा व्यू दिखाया, उसके साथ राइट साइड पे गली एंटर होती है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो राइट साइड पे जो है ना, मैंने आपको शायद याद हो अगर मेरा कैमरा मूव कर सके तो, ये जो है ना घर पहले भी जो है ना ये मैंने लगाया था अपने चैनल के ऊपर, तो इसके साथ ही बिल्कुल ये घर है जी। और मैं अभी आपको इसके अंदर का विज़िट करवाऊँगा, बहुत शानदार खूबसूरत, उससे भी ज़्यादा अच्छी इसकी लुक है। और जब मैं आपको सारा विजिट करवाऊंगा फिर आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी की वीडियो, प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरा पट्टी के ऊपर नंबर चल रहा है। और इस प्लॉट, इस मकान का जो है ना सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में, ओनर का नंबर भी मौजूद है, आप ओनर के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दो नंबर मौजूद है, एक मेरा पर्सनल नंबर मौजूद है, पट्टी के ऊपर भी मेरा नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, एक मेरा नंबर चल रहा है, एक ओनर का नंबर चल रहा है। इस नंबर पर किसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अगर ओनर पिक नहीं करता कॉल तो मेरे नंबर पर रब्ता कर लें। मेरी कोशिश होगी कि आपको फिजिकली विजिट करवा दिया जाए। बहुत ही अच्छा एरिया है और जो है ना करीमपुर का एरिया है, इस तीन मरले का घर है। इसकी सारी चौड़ाई लंबाई विथ लेंथ फ्रंट एलिवेशन, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मज़ीद डिटेल बताऊंगा। तो अभी मैं जो है ना घर के अंदर एंटर होता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। घर का फ्रंट एलिवेशन है, आप देख सकते हैं जी, और इसके साथ ये घर है, वो आप देख सकते हैं घर है जी जो मैंने आप पहले लगाया था। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर ये भी परचेज़ करना है। इसकी अभी डील चल रही है लेकिन ये फाइनल नहीं हुआ जी। ये घर है, प्लंथ भी इन्होंने अच्छा उठाया हुआ है, स्लोप वगैरह बनी हुई है और मटेरियल अच्छा है इस घर का, जो घर के अंदर लगा है मटेरियल, इवन के फाउंडेशन बेस भी। और अभी हम ये नीचे टवीरा पत्थर लगा हुआ है। तीन मरला सिंगल स्टोरी, सीवरेज ने ख़ुद मैनेज सीवरेज का किया है निज़ाम। गली का सर्वे हो चुका है और उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी गली जो है ना बन जाएगी। ये कार पोर्च आपको दिखा रहा हूँ, कार पोर्च का सारा, बड़ी गाड़ी जो है ना इजीली एंटर हो जाती है, ये चेक करें जी। और ये मोटर इन्होंने ना स्टेयर्स के नीचे इन्होंने मैनेज किया हुआ है जी। ये हम अभी एंटर होंगे जी ड्राइंग रूम के अंदर, ये ड्राइंग रूम का आपको व्यू दिखा रहा हूँ, वो ऊपर वेंटिलेशन देख सकते हैं आप, अच्छे खूबसूरत और छोटे इन्होंने कमरे बनाए हैं, उस हिसाब से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन का खास ख्याल रखा है इन्होंने घर के अंदर, यहाँ से आपको बाहर का व्यू नज़र आ सकता है इजीली। अभी हम दोबारा जो है ना वो कार पोर्च के अंदर आए हैं, यहाँ से अभी सामने किचन के अंदर चलेंगे जी। अभी मैं आपको किचन का व्यू दिखाता हूँ, ये बाहर आप देख सकते हैं विंडो लगी हुई है किचन के, पत्थर और साइड पे उन्होंने डिज़ाइन ब्लैक किया हुआ है, टवीरा पत्थर है। और ये है जी किचन, किचन का व्यू देख सकते हैं, ये टाइल लगाई हुई है इन्होंने, मास्टर की टाइल लगाई हुई है जी इन्होंने। और नीचे तो पत्थर मैंने आपको दिखा दिए। अभी आप कहते हैं कि फास्ट वीडियो ना बनाए, इसलिए मैं स्लो वीडियो सारा कुछ दिखाऊँ। ये डिबी बॉक्स है ये, और ये कार पोर्च में ही अच्छा लगता है,
और ये वॉशरूम का व्यू दिखा रहे हैं जी आपको। वॉशरूम में साइड पे ना मैट टाइल लगी हुई है मास्टर की, डोर पीवीसी लगा हुआ है जी यहाँ पे, और शावर वगैरह अभी जो है ना मैं आपको एक कमरे का व्यू दिखाता हूँ जी। और अगर आपने प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करनी है मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी चार्जेस। आपकी प्रॉपर्टी की वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर लगाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी का एडवर्टाइजमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी कीमत में और ओनर की कस्टमर के साथ और कस्टमर की ओनर के साथ डायरेक्ट डील करवा दें। तो मेरा नंबर पट्टी के ऊपर चल रहा है इस वीडियो में जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है इसमें दो नंबर है, एक मेरा नंबर है एक ओनर का नंबर है, आप किसी भी नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, आपको जो है ना प्रॉपर्टी की मज़ीद डिटेल बता दी जाएगी। अभी हम शेयर से ऊपर चलेंगे जी। स्टेयर्स है, इन्होंने इस तरह मैनेज किया कि आपको बाहर का व्यू नज़र आएगा। ये चेक करें, ये साथ जो है ना आपको टैंकी का ऊपर दिखा रहे हैं हम व्यू। अभी हम ये सिंगल स्टोरी घर है, अभी हम इसके रूफ पे आए हैं, आगे पीछे घर आप देख सकते हैं जी। और ये साथ घर है जी, ये भी अभी सेल नहीं हुआ लेकिन इसका जो है ना वो इसकी डील हो रही है और उम्मीद है आजकल में डील हो जाएगी। लेकिन अगर इंटरेस्टेड हैं तो आपने रब्ता करना है, हो सकता है कि अगर आपको इस घर से वो घर पसंद आ जाए तो उसकी भी डील हुई नहीं लेकिन आजकल में इसकी डील हो जानी है। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप इसको भी विज़िट कर सकें। ये चेक, अभी मैं आपको जो है ना मज़ीद डिटेल बताता हूँ और प्राइस बताता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। तो जी नाजरीन, मैंने आपको जो है ना इस घर की सारी डिटेल बताई है, हर फैसिलिटी ऑलमोस्ट अवेलेबल है, गैस थोड़ी सी दूर है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया रफ़ी पब्लिक स्कूल के साथ गली एंटर होती है, और इसके साथ साथ मैंने आपको जो है ना फ्रंट एलिवेशन बताया, इसकी डायमेंशन, इसकी जो है ना वो विथ लेंथ ईच एंड एवरी थिंग, कमरों का साइज़, वाशरूम, किचन, उसके बाद चेयर्स वगैरह अभी टॉप पे मौजूद है। हर एक डिटेल आपको मैंने कोशिश की है कि ब्रीफ कर सकूं। तो अभी आप इस चीज़ का मुंतजिर होंगे कि इसकी ओनर डिमांड क्या कर रहा है। ओनर की डिमांड है 32 लाख, 32 लाख ओनर की डिमांड है। और आपको शायद याद हो कि इस घर के साथ ही जो है ना मैंने एक घर है, इसकी वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 वीक पहले लगाई थी, तो वो भी जो है ना अभी उसकी बातचीत चल रही है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो भी घर लेने के लिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस घर को भी विजिट करें, बिल्कुल साथ घर है। एक बड़ी अच्छी खूबसूरत ज़बरदस्त बात इस जो है ना घर में ये है, इस घर और साथ वाले घर की जो है ना गली बंद है। बंद गली का बेनिफिट आपको पता है कि सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 8 फुट गली छोड़ हैं, सामने वाले 8 फुट छोड़ते हैं तो आप जो 8 फुट गली छोड़ेंगे उसको आप खुद यूटिलाइज कर सकते हैं। 32 लाख ओनर की डिमांड है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है कमी पेशी की जाए तो कोशिश होगी इसमें फ्लैक्सी, वैसे तो मुनासिब रेट है लेकिन कोशिश होगी कि फ्लैक्सीबिलिटी जो है ना मतवक़ है करवा के दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं नंबर पर रब्ता ज़रूर करें। और ये अर्जेंट फॉर सेल है, इस तरह के घर जो है जल्दी सेल हो जाते हैं। खूबसूरत, अच्छा और अच्छी लोकेशन है, अच्छा डेकोरेट हुआ हुआ और मटेरियल भी अच्छा लगा हुआ है इस घर में। जो है ना सबसे खूबसूरत बात यह है कि गली बंद होने के साथ साथ इस घर में मटेरियल अच्छा लगा हुआ है। बोरिंग आपको मैंने बता दिया कि स्टेयर्स के नीचे हर एक चीज़ ब्रीफ कर दी है। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह इस दफ़ा भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना नहीं भूला, ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोज़ बर वक्त बसानी आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए, मेरी काफ़ी पसंद आए तो आगे शेयर करें, ताकि आपका नहीं तो किसी की ना किसी का फायदा हो सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान चौहान को इजाज़त दें, कैमरा मैन शेख उस्मान के साथ चौहान इन्फॉर्मेटिव टीवी झेलम, खुदा हाफिज़।